हेलो दोस्तों, का फिर स्वागत है मेरे टूर ज्ञान बनारस में और मैं स्वयं मौजूद हूँ मच्छोत्री पर। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ भी पंडाल बनना शुरू हो गया है, तो चलिए दोस्तों को पूरा डिटेल बताता हूँ कि इस बार किस थीम पे पंडाल बनाया जाता है। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों को बैक करने से पूरा नजारा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं स्वयं मच्छोत्री तिराहे पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सामने पंडाल बनना शुरू हो गया है। और आपको बता दूं कि इस बार बेचू का बिरला मंदिर बन रहा है, जिसे नए विश्वनाथ जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर तैयारी शुरू हो गया और ये वाला रास्ता आपका पलाद घाट होते हुए आप राजघाट चले जाएंगे और इधर दिखाओ तो ये वाला रास्ता आपका मैदान होते हुए लवरा विरोते हुए आप कैंट के लिए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते, इसमें किस रफ्तार से कार वगैरह पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो बने रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बांस बलियों द्वारा स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जा रहा है मंदिर का, देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कि कारीगर लगे हुए हैं पंडाल तैयार करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऊपर लगे हुए हैं कारीगर और बांस बलियों द्वारा पूरा फ्रेमिंग किया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं। देखिए इधर भी देखिए ऊपर लगे हुए हैं मैन पावर, देख रहे हैं। देखिए काफ़ी जोरों शोरों में यहाँ पर कार्य चल रहा है पंडाल का और यहाँ पे देखिए बांस को काटा जा रहा है। देखिए पूरा बांस आ गया है, इसी बांस द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, इसके बाद बीट और कपड़े की मदद से पूरा मंदिर का डिजाइन बनाया जाएगा और सामने आपका मंच बन रहा है। इसी जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी, देख रहे हैं। और देखिए मंच का भी कार्य काफ़ी जोरों शोरों में हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर भी कारीगर लगे हुए हैं और इन लोग को बंगाल से स्पेशल मंगाया जाता है यहाँ पर कार्य करने के लिए, देख रहे हैं। देखे ऊपर भी लगे हुए हैं। अभी देखिए सभी जगह बनारस में जितने पंडाल बन रहे हैं सभी जगह इसमें बांस बलियों द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और सभी का हम अपडेट आपको टाइम टाइम पर देते रहेंगे। और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख रहे दोस्तों पूरा एकदम तैयार किया जा रहा है। सामने आपका प्रवेश द्वार है और ये देखिए आपका निकासी द्वार है, ये सामने आपका निकासी द्वार बन रहा है। और देखिए इधर आपका ये बड़ा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपका पूरा जो कि नवरात्र में यहाँ पर भजन होता है ये सब होता है। और देखिए पूरा दुकान यहाँ पे भी लगते हैं खाने पीने का, देख रहे हैं दोस्तों। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं एक विसर्जन कुंड है, इसी जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। आसपास के जितने भी मूर्ति हैं यहाँ पर आके विसर्जन होता है उनका। देखिए सामने तालाब है, इसी जगह मूर्ति विसर्जन होता है। आसपास इलाके के जितने भी मूर्ति होते हैं इसी जगह आके विसर्जन होता है, देख रहे हैं। बड़ा सी तालाब है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बांस बल्ली है, सारे बांस बल्ली को ले जाया जा रहा है आगे जहाँ पर पंडाल बन रहा है, देख रहे हैं। पूरे पंडाल में कार्य लगा हुआ है, देखिए इधर भी कारीगर लगे हुए हैं। और देखिए इधर भी देखिए ऊपर पूरा सीलिंग का कार्य चल रहा है, देख रहे हैं। पूरा बांस बल्ली द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। काफी भीड़ होता है यहाँ पर नवरात्र में, तीन दिन सप्तमी अष्टमी नवमी काफी लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शन के लिए। काफी फेमस ये पंडाल होता है मच्छोत्री का, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए, देख रहे हैं दोस्तों। पूरा बांस बल्ली द्वारा यहाँ पर फ्रेमिंग का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय दीजिए, हर हर महादेव।